खान का गाना पत्थरवर्गी आज रिलीज हो ही गया। जी हाँ, हिना खान के गाने पत्थरवर्गी के बारे में चलिए आपको बताते हैं कुछ खास बातें जो इस गाने को बनाती है एक ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट और रोमांटिक वॉच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं नित्यांशी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें और अगर चाहें तो मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट एंकर नित्यांशी पर आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं हिना खान के सॉन्ग पत्थर वर्गी के बारे में तो सबसे पहली लाइन तो यही आती है कि जब सच्चे प्यार के बदले झूठ मिलता है और धोखा मिलता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, और कुछ ऐसा ही इस गाने में होता नजर आया हिना खान के साथ। जी हाँ, हिना खान जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, जो उनका मंगेतर है, वो उन्हें धोखा दे देता है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रखता है वो इन शख्स, उनका जो प्यार है वो। और फिर जब उन्हें ये धमकी दी जाती है कि हम हिना को मार डालेंगे, उसे नुकसान होगा अगर तुम उसके साथ रहे तो वो इंसान अपनी सगाई तोड़ देता है, हिना खान को छोड़ देता है और फिर हिना खान की हालत वैसी ही हो जाती है जैसे बेवफाई, झूठ और फरेब से निकले किसी भी और इंसान की। वो ड्रिंक करना शुरू कर देती हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता जिंदगी में क्या किया जाए, घोष खो बैठती हैं अपना। और इस हालत में उनके जो एक्स मंगेतर है वो उन्हें देख कर रोकने की कोशिश भी करते हैं लेकिन हिना नहीं रोकती, उनके पास वापस नहीं आती। लेकिन यहाँ पर अंडरवर्ल्ड में जो उनके बॉस है वो ये सब देखते हुए उन्हें पता है कि जब तक हिना है इस इंसान का काम में मन नहीं लगेगा, तो वो हिना को मार देते हैं। जी हाँ, उसकी गाड़ी को उसे जिंदा जला देते हैं, उसकी गाड़ी को जला देते हैं जब वो गाड़ी में होती है। और ये सब कुछ होते हुए उनका मंगेतर अपनी आंखों के सामने देखता है और फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने बॉस और उसकी अंडरवर्ल्ड की पूरी टीम को मार देता है और अंत में पुलिस भी उसे मार देती है। इस गाने में अगर आप देखें तो अंत में यही मैसेज आता है कि रिस्पेक्ट योर लव बिफोर इट्स टू लेट। जी हाँ, और हम भी आपसे यही कहेंगे कि इस गाने का जो पूरा पिक्चराइजेशन है बहुत खूबसूरत है। नो डाउट स्टोरी थोड़ी रिपीटेटिव लगी, ऐसा कुछ हम पहले भी देख चुके हैं दूसरे म्यूजिक वीडियोज में, लेकिन अगर एक्टिंग की बात करें तो हिना खान की एक्टिंग तो सबको पता ही है कि कितनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है वो, और इमोशंस जब एक्सप्रेस करने की बात आती है तो उसमें तो कमाल कर पाती हैं। क्या सोचते हैं हिना खान के इस गाने पर, आप कमेंट जरूर करें।